स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग फॉर रनर्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रनिंग में, जो कि सब जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिट लेवल का स्प्रिंटर इंटरनेशनली और नेशनली, उन्हें अपने मेन मसल्स में अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ डालनी होती है ताकि वो ग्राउंड पर अपनी बॉडी वेट से कई गुना ज़्यादा फोर्स से हिट करें, जिसका रिजल्ट एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइमिंग हो, पर बिना किसी एक्स्ट्रा मसल मास ग्रोथ के, जो ना कि उनका एक्स्ट्रा वेट इंक्रीज करेगी बल्कि फुल रेंज ऑफ मोशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इससे ये पता लगता है कि टॉप लेवल के एथलीट्स भी एक तरह से सुपर ह्यूमन ही होते हैं। हालांकि ये चीज़ कुछ मंथ में नहीं, बहुत सालों की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से आती है। और ऐसी स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग में कौन सी एक्सरसाइज किस अकॉर्डिंग करें, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और जिसे मैं आगे बताऊँगा। ऐसी ट्रेनिंग को एक एथलीट यूज़ करके उस लेवल पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बेसिकली ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 3 types ऑफ वेट ट्रेनिंग वर्कआउट्स होते हैं, लिफ्टिंग हैवी, स्पीड एंड एक्सप्लोजिव लिफ्टिंग, हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स। इस टाइप की ट्रेनिंग करने का रीज़न एंड इसमें रेस्ट, रेप्स, सेट्स एंड डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हैवी लिफ्टिंग में फोकस करो 80-100% पावर पे 1-4 रैप्स निकालो, फॉर एग्जाम्पल रोमानियन डेडलिफ्ट, हाफ स्क्वाट। इस टाइप की ट्रेनिंग में फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर यूज होते हैं, जो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्पीड एंड एक्सप्लोजिव लिफ्टिंग बेस्ट एक्सप्लोजिव पावर के लिए मानी जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड बेंचेस, मेडबॉल थ्रोस, बॉक्स जंप्स, सिंगल लेग हॉप्स एक्सेट्रा। अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को कम रखना, अवॉइड करना ट्रेनिंग में फेलियर तक जाने का, जो बेसिकली हाइपरट्रॉफी का काम करता है बॉडी बिल्डर्स के लिए। रेस्ट पीरियड्स पर फोकस करना, जो 60-120 seconds के बीच का हो, क्योंकि कम रेस्ट पीरियड्स बॉडी बिल्डर मसल की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। अपनी कंपाउंड मूवमेंट पर फुल कंसेंट्रेशन रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट हो। हेल्दी डाइट पर फोकस रखना, ना ज़्यादा ना कम। ये चीज़ याद रखना कि आप मसल में स्ट्रेंथ डाल रहे हो, ना कि गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख भी लग सकती है, लेकिन उतना ही कैलोरीज लेना जितने पूरे दिन लगा पाओ। वैसे आप सब अपना प्यार दिखाना भूल मत जाना, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना। थैंक यू।